हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये सही अख्तर एंड परफेक्ट एकेडमी। तो बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्लास टेंथ का ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसमें हम लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नेमिंग करने में, ठीक है। IUPAC नेमिंग करने में भाई, IUPAC नेमिंग की हमको रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि हम जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास मोर देन 35,000 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि डिस्कवर हो चुके हैं। अब उनका नेम एज ए कॉमन नेम लिखना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे लिखना है एल्कोहल, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये नेम लर्न रखना भाई 35,000 एबव कंपाउंड्स का काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, भूल सकते हैं। तो इसके लिए एक रूल बनाया गया जिसको बोलते हैं IUPAC। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उन कंपाउंड्स का नेम IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं। अगर भाई दफा वो नेम भूल भी गए तो अगर मुझे रूल पता है तो अगर रूल लगा करके हम उसका नेम निकाल सकते हैं, जिससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो पाए। तो आज बेटा मैं आपको ये सिखाने वाला कि IUPAC होता क्या है और इसके रूल्स क्या होते हैं, और फिर इसके बाद में मैं कुछ कंपाउंड लेकर के क्लास 10th लेवल के, ठीक है, CBSE बोर्ड जो आपकी NCERT बेस्ड होगा उसकी मैं नेमिंग सिखाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं IUPAC। तो IUPAC की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले यहाँ पर जो मैं एक फार्मूला लिखूंगा वो फार्मूला आप लोगों को हमेशा याद रखना है। फार्मूला क्या होगा आपका, ये होगा प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स फर्स्ट प्लस सफिक्स सेकंड। ओके, सफिक्स फर्स्ट प्लस सफिक्स सेकंड। तो ये फार्मूला आपको क्या रखना है, ये फार्मूला आपको अपने दिमाग में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग क्या करनी है, हम लोगों को IUPAC नेम लिखना है इसी के अकॉर्डिंग। यानी प्रीफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, सफिक्स फर्स्ट क्या होता है और सफिक्स सेकंड क्या होता है। टेंथ लेवल में यही तक आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है प्रीफिक्स क्या होते हैं। तो मैं अगर मैं बात करूँ प्रीफिक्स क्या होते हैं तो मैं एक लाइन में आपको बता दूं प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ साइड चेन अटैच्ड इन कार्बन मेन चेन, ठीक है। जो नंबर ऑफ साइड चेन जो होते हैं वो जो कार्बन की मेन चेन होती है तो उससे जो साइड चेन आपके अटैच होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। जैसे मान लो कार्बन की आपकी ये वाली चेन है, अब ये आपकी जो कार्बन की चेन है ये मेन चेन है। अब इसमें कोई आपका मान लो कोई इससे अटैच आपका कोई एटम लगा हुआ है, मान लो यहाँ पर आपका CL अटैच है इस कार्बन की मेन चेन पर, तो उसको हम लोग बोलेंगे साइड चेन, ठीक है। मान लो ये आपका कार्बन, आपकी ये मेन चेन है कार्बन की, ठीक है, लॉन्गेस्ट मेन चेन है। अब यहाँ पर मान लो आपका कोई CH3 अटैच है, CH3 से जुड़ा हुआ, तो उसको हम लोग बोल देंगे साइड चेन। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो नेमिंग करते हैं तो वहां प्रीफिक्स को भी अपने नॉलेज में रखते हैं कि प्रीफिक्स हमारे होते क्या है, ठीक है। मेन चेन से अटैच आपके जो आइटम्स होते हैं तो उनको हम लोग प्रीफिक्स में ले जाते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल लिख लो बेटा, ठीक है, जो आपको हमेशा याद रखना है कि प्रीफिक्स आपकी क्या क्या हो सकती है। जैसे आप कह सकते हैं एल्काइल में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, एल्काइल में देखने को मिलेगा मेथाइल CH3, या फिर देखने को मिलेगा C2H5 एथाइल, नाम याद रखना मेथाइल एथाइल, या फिर आप लिख लो C3H7 प्रोपाइल, या फिर लिख लो C6
ये बॉन्ड जरूर दिखाना आप लोग, C6H5 फेनाइल, ये सब आपको एल्काइल वाले साइड चेन देखने को मिल सकते हैं। और ये देखने को मिल सकता है आपको, और आपको हैलोजन देखने को मिल सकता है, जिनको हम लोग हैलो बोलते हैं बेटा, हैलो। जैसे कि आपको मिल सकता है यहाँ पर F, सब हैलोजन होते हैं, फ्लोरो सीएल, क्लोरो बीआर, ब्रोमो आई, आइडो, और भी आपको मिल सकता है, ऐसे NO2 मिल सकता है जिसको हम लोग नाइट्रो बोलते हैं। नाम याद रखना बेटा, नाइट्रो, क्या लिखते जाना आप लोग, नाइट्रो, ठीक है। तो इस तरीके से हमको बहुत ज्यादा नहीं, टेंथ में बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, कुछ हमको साइड चेन को दिमाग में रखना है, एक्सेट्रा कर देते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा प्रीफिक्स, जो हमारी मेन चेन में अटैच होंगे, कोई हमारी मेन चेन होगी उनसे अटैच होंगे। तो पहला रूल हो गया प्रीफिक्स का, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से हम लोग जंप करते हैं सेकंड पार्ट पर, रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है, तो आप देखते हैं रूट वर्ड, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं रूट वर्ड की। नेक्स्ट आता है बेटा रूट वर्ड, रूट वर्ड जो होता है वो होता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन मेन चेन, ठीक है। डेग लाइन में तो लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन मेन चेन। बेटा मेन चेन मैंने बोला, इस पर फोकस करना, मैंने ये नहीं बोला नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन चेन, मेन चेन मतलब कार्बन आइटम की आपको हो सकता है बहुत से चेन दिख जाए, लेकिन उसमें जो आपको मेन चेन दिख जाए, तो सर मेन चेन क्या है, मेन चेन जो आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन नजर आए कार्बन आइटम, मतलब कार्बन आइटम हम लोग काउंट करें उनमें जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो उसी को हम लोग मेन चेन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, कार्बन 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 और यहाँ पर कार्बन, अब इसमें मैं आपको बोलूँ इसमें मेन चेन क्या है, तो अब लॉन्ग आप एक यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चेक कर लो। जैसे अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग करें, यहाँ से अगर हम लोग चेन को सिलेक्ट करें तो होगा 1 2 3 4 5, तो ये हो गई हमारी मेन चेन। यहाँ पर एक और कार्बन कर लेते हैं हम, चलो ठीक है, थोड़ा और हम लोगों के लिए इजी हो जाए, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी एक चेन हो सकती है कार्बन की। और क्या हो सकता है बेटा, अगर आप इस साइड से भी करोगे तब भी सेम नंबर ही रहेगी, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इस कार्बन को अगर हम लोग चेन में ले लें तो देखो क्या हो सकता है, अगर हम लोग इस साइड में मूव करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो लॉन्ग चेन तो आपकी 6 वाली हुई, ये आपकी 4 हो गई, तो मेन चेन नहीं हुई, ये वाली मेन चेन नहीं हो सकती, लेकिन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन मेन चेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बार याद रखना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूं, शुड बी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये भी हमको दिमाग में रखना है, ओके। अब अगर मैं यहां ये वाला लेकर के चलता हूं 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5, ये भी लॉन्गेस्ट नहीं होगी, तो लॉन्गेस्ट उसमें क्या होगी, ये वाली भी 1 2 3 4 5 6, या फिर यहां से 1 2 3 4 5 6, तो ये आपकी हो गई मेन चेन। इसी को हम लोग बोलते हैं रूट वर्ड। अब इसके लिए रूट वर्ड क्या लिखेंगे भाई, 6 कार्बन एटम है, इसके लिए कोई वर्ड होगा, कोई नेम होगा, तो उसी की मैं बात करने वाला हूं। तो आप रूट वर्ड लिखा देते हैं जल्दी से, नोट करना होता हम लोग उसको, ठीक है। आप रूट वर्ड की बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के लिए, ठीक है। अगर बेटा कभी एक कार्बन आपको दिखे चेन में, 1 कार्बन, तो उसके लिए जो हम लोग रूट वर्ड लिखते हैं, दिमाग में रखना, जो उसके लिए रूट वर्ड लिखते हैं वो लिखते हैं मेट। और अगर चेन में कभी आपको 2 कार्बन नजर आ जाए तो उसके लिए जो हम लोग रूट वर्ड लिखते हैं वो एथ। और अगर कभी 3 कार्बन नजर आ जाए तो उसके लिए जो रूट वर्ड लिखते हैं वो प्रो। और 4 कार्बन आइटम के लिए ब्यूट।
ऐसे ही फाइव कार्बन एटम के लिए पेन, सिक्स कार्बन एटम के लिए हेक्स, सेवन कार्बन एटम के लिए हेक्ट, एट कार्बन एटम के लिए हम लोग लिखते हैं ऑक्ट, नाइन कार्बन एटम के लिए हम लोग लिखते हैं नॉन, और टेन कार्बन एटम के लिए लिखते हैं डेक। टेंथ में यहीं तक करना है डेक, उसके बाद में इलेवन अनडेक डू डेक वो सब ट्राई डेक वगैरह नहीं है। तो ये बेटा रूट वर्ड हो गए कि जो आपको मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन नजर आ रहे हैं उसके, ठीक है, अकॉर्डिंग हम लोग उसका नेम लिख देंगे। जैसा कि मैंने जो चेन लिखी थी उसमें जो मेन चेन थी उसमें सिक्स कार्बन आइटम थे, अभी जो मैंने मेन चेन ली थी उसमें जो हमारा नंबर ऑफ कार्बन आइटम था मेन चेन में सिक्स थे, तो सिक्स कार्बन आइटम के लिए रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, हेक्स लिखेंगे। अब उसका नेम हम लोग लिख देंगे हेक्स, इसी को बोलते हैं रूट वर्ड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग जंप करते हैं सफिक्स फर्स्ट पर। तो दूसरा रूल हुआ हम लोगों का, थर्ड हम लोगों का आएगा सफिक्स फर्स्ट। तो आ जाओ सफिक्स फर्स्ट पर आते हैं। थर्ड सफिक्स फर्स्ट बेटा क्या होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड्स की बात होती है इसमें, सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड, ठीक है, जो सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन को शो करता है। तो सैचुरेटेड अगर कार्बनिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो वो होता है सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में, बिल्कुल आराम से समझो, अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड आपका प्रेजेंट है तो उसको हम लोग सैचुरेटेड बोलते हैं। अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड बोलते हैं, ओके, क्योंकि आप जानते हो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, फोर होती है, ठीक है। तो यहां पर तो देखेंगे सफिक्स फर्स्ट सफिक्स टू, और उसका नेम क्या होता है। मान लो हमारा क्या है, कार्बन है और कार्बन है, और इस कार्बन कार्बन आइटम के बीच में बेटा एक सिंगल बॉन्ड है, बाकी कहीं ना कहीं अपनी वैलेंसी बैलेंस कर रहा होगा, यहाँ थ्री हाइड्रोजन होगा, यहाँ थ्री हाइड्रोजन होगी, हाँ वो आपको पता है। अगर इस कार्बन आइटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम लोग अनसैचुरेटेड बोलते हैं, और अगर इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन आइटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन की बात कर रहा हूँ, कोई दूसरे आइटम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड। बहुत अच्छे से याद रखना, सैचुरेटेड, और इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तो आप सुन रहे हैं, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं आईयूपीएसी। इसको आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो वो नेम याद रखना, जब कभी कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिखे तो उसको हम लोग बोलते हैं एन, ए एन ई एन, स्पेलिंग याद रखना ए एन ई एन। और जब कभी डबल बॉन्ड आपको कार्बन कार्बन आइटम के बीच में नजर आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ईन, ई एन ई ईन। और जब कभी कार्बन कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं आइन, वाई एन ई आइन। बात समझ में, तो यही होता है एज ए सफिक्स टू सफिक्स फर्स्ट नेम, कि सफिक्स फर्स्ट में कार्बन कार्बन के बीच में हम लोग देखेंगे सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगा देंगे, डबल बॉन्ड होगा इन लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन हम लोग लगा करके यूज कर लेंगे। बात आती सफिक्स टू की, जल्दी से उसको नोट कर लो भाई, ये बहुत सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं था, केवल आपको सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड देखने थे, ठीक है, और उनका नेम दिमाग में रखना था एन ई आई। तो आई होप सभी को बहुत जल्दी से समझ में आ चुका होगा। अब जल्दी से हम लोग सफिक्स टू देख लेते हैं। सफिक्स टू बेटा, सफिक्स टू में हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंटिंग, ठीक है, कार्बन चेन। तो बस इतने नंबर ऑफ फंक्शनल
ग्रुप। यहाँ पर बेटा बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप की। अगर कभी आपकी जो कार्बन वाली चेन है, मैंने आपको साइड चेन बताया था, साइड चेन मतलब प्रोफेज बताया था, मेथाइल एथाइल प्रोपाइल या क्लोरो ब्रोमो आइडो या नाइट्रो, ठीक है, उसके अलावा कुछ दूसरे ग्रुप दिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो बोलो सर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप जैसे आपका एल्कोहल, जैसे आपका ईथर, जैसे आपका कीटोन, इस टाइप के अगर ग्रुप कभी नजर आ जाए तो भाई आपके क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो उनका नेम कैसे लिखेंगे? आय सफिक्स को उनका नेम कैसे लिखेंगे? तो आओ मैं कुछ